आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर। तावते तूफान के बीच फंसे लोगों से भरा जहाज, नौसेना कर रही राहत बचाव का कार्य। तावते तूफान ने देश के समुद्री इलाकों में तबाही मचा दी है। अभी अभी खबर आ रही है कि मुंबई में समुद्र में एक जहाज फंसी हुई है, जिसमें 250 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 146 लोगों की जान बचा ली गई है और अभी भी 130 लोगों से ज्यादा के फंसे होने की खबर आ रही है। राहत बचाव काम भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। नौसेना के कई जहाज राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। खबर है कि तावते तूफान की वजह से जहाज समुद्र में फंस गई थी। हालांकि मौसम विभाग ने कल ही आने वाले तूफान का अंदेशा दे दिया था। तूफान का समय और तूफान की तीव्रता की जानकारी मौसम विभाग ने दे दिया था। जहाज आज सुबह मुंबई पहुंचने वाली थी, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि नौसेना के बचाव टीम ने अब तक 146 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। नौसेना की टीम उनकी तलाश कर रही है। जहाज पर सवार लोगों में अभी तक किसी के भी जान जाने की खबर नहीं आई है। इसके अलावा गुजरात के वेरावल में 5 नाव समुद्र में फंसे होने की खबर आ रही है, जिसमें 3 नाव को और उसमें सवार 8 लोगों को NDRF की टीम द्वारा बचा लिया गया है, पर अभी भी 2 नाव समुद्र में फंसे हुए हैं, जिससे लगातार बचाने का कार्य NDRF की टीम कर रही है। नौसेना के INS जहाज भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। देश के कई हिस्से में तावते तूफान ने काफी क्षति पहुंचाया है। देश के कई कोस्टल इलाके में सैकड़ों लोगों के गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं, तो कहीं लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है। मुंबई, गुजरात, गोवा आदि कई इलाकों में तूफान से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में अब तक तूफान से 8 लोगों की जान भी चली जा गई है। तावते तूफान की वजह से अब तक 5,244 घरों के बर्बाद होने की खबर है। कोस्टल इलाकों के अलावे तूफान का असर देश के कुछ और हिस्सों में भी दिखाई दिया। मौसम विभाग ने कहा कि खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। हवाएं अभी 120 से 150 किलोमीटर के तेज रफ्तार से चल रही हैं। सावधानी अभी भी जरूरी है। आज के टीडी ब्रेकिंग में इतना ही। देखते रहें टीडी न्यूज, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आरती सिन्हा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम आपको देश दुनिया की खबर देते रहें। खबर चाहे खेल की हो, राजनीति की हो या कोरोना संबंधित, टीडी न्यूज रखता है आपको सबसे पहले अपडेट।